got a new laptop, eh? Asus TuffBook K15. Got this just now. Just getting ready for your videos. I have a neon sign here. This is a new ring light that I got. This is a new table setup. Is prepared to be baat karenge. Anyways, coming to the topic of today's video. Oh, it's bright. Ah, on there. Voila. Assalamu alaikum and hi everyone. This is Ali from AWP Exotica back with another banging vlog for you guys. Arsa ho gaya, I know. Zyada arsa nahi hua. Last video maine chadhai hai tak khud ki maine bridge ka visit kiya tha aur usme maine vlog kiya jaake dekho. Amazing stuff. Bahut hi khoobsurat bridge hai. Link main dal dunga yahan ya yahan. Go to visit that. So coming to the topic of this video today without any further ado. But first things first, please leave a like, do subscribe and turn on those bell notifications icons. ताकि आप लोगों को मेरी अगली आने वाली वीडियोस जो हैं वो वक्त पे मिल सकें और उनमें कोई डिले ना हो. आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में भूल गया हूँ. आज का टॉपिक है वो गलतियाँ दैट बिगिनर कैमरा बायर्स मेक और जो गलतियाँ वो करते हैं. दिस इज़ द टुडेज़ टॉपिक. किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू शेयर, आपके साथ शेयर करूँगा ताकि आप लोग अपने फ्यूचर में बेहतर डिसीजंस ले सकें वाइल बाइंग अ कैमरा और प्लानिंग टू बाय वन. तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्ट्रेट इनसाइड द वीडियो. ऑलराइट, स्ट्रेट अवे लेके जाता हूँ आपको उन पांच टिप्स पे. फ़ोन पे मैंने नोट किए हुए हैं, नीचे मैंने टैब रखा हुआ है जिसको मैंने कैमरा कनेक्ट ऐप के साथ लगाया हुआ है. आई नो दिस इज सिली सेटअप बट मेरे लिए चलता है. एनीवेज, टेकिंग यू स्ट्रेट टू दोज फाइव टिप्स जो आपको नेक्स्ट कैमरा लेते वक्त जो लोग न्यूअर बिगिनर्स जो है वो जो गलतियाँ करते हैं, दैट दोज आई एम गोइंग टू नरेट फॉर यू गाइस ताकि आप लोग वो गलतियाँ ना करें. सो कमिंग अबाउट टू टिप नंबर वन. नंबर वन पे ये सोच कि नया ही हमेशा बेहतर है, ये बहुत गलत सोच है कि एक नया कैमरा जो कि मार्केट में आया है वही सबसे बेस्ट है, वही तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करेगा, वही हमें सब कुछ जो है वो कंप्लीट करके देगा. आई नो 8K तक बात चली गई है. देर आर वेरियस कैमराज दैट आर यू नो जो कि एक्सपेंसिव रेंज की तरफ बात को ले जाते हैं और हाई रेजोल्यूशन है, इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है और पता नहीं क्या क्या, CF एक्सप्रेस कार्ड एंड वॉट नॉट. ट्रस्ट मी, मुझे खुद बजाते खुद तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं. ऑन एंड ऑफ व्लॉग मेरा चलता रहता है बट आई एम यूजिंग अ कैनन 250D विच इज़ ऑल्सो नोन एज दी SL3 और ये जब मैंने लिया था, सच्ची बात करूँगा, तब मुझे 85,000 रुपये का पड़ा था. इस वक्त ये कैमरा लगभग कोई 1,10,000 से 1,15,000 का है. इट इज़ डूइंग द जॉब. 1080 तक शूट करता है, 4K भी शूट करता है बट 30 फ्रेम्स के अंदर और एक क्रॉप फैक्टर लग जाता है और डुअल पिक्सल ऑटो फोकस जो मैं भूल जाता मैं ये डुअल पिक्सल ऑटो फोकस लूज़ कर जाता है. बात यह है कि नो योर वर्क, अपना काम पहले देखो कि काम एक्चुअल में है कितना. अगर तो काम है एज अ हॉबी इसको लेना चाह रहे हो जस्ट फॉर द फन पार्ट या स्टार्ट करके देखना चाह रहे हो कि ये चीज़ कहाँ तक जाएगी, तो देन गो फॉर योर सेल फोन. आजकल सेल फोन्स 30,000-40,000 रुपए की रेंज के अंदर जो सेल फोन है उसके अंदर अमेजिंग कैमराज हैं कपल्ड विद अ गुड माइक एंड सम एस्थेटिक्स जो कि यहाँ पे होती हैं, नॉट इनसाइड द कैमरा. उसके साथ आप लोग बेहतरीन किस्म का फुटेज उसमें से निकाल सकते हैं. आजकल जो कैमराज हैं वो 4K केपेबल कैमराज भी हैं, 60 फ्रेम्स तक आपको ऑप्शन दे देते हैं, 30 फ्रेम्स के ऑप्शन दे देते हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑटो फोकस है. तो न्यू इज़ नॉट ऑलवेज द बेस्ट. लोग बहुत पुराने कैमराज के साथ बहुत क्लास के रिजल्ट्स निकाल के देते हैं. इट इज़ अबाउट एक्चुअली द आइडिया बिहाइंड द वीडियो दैट यू आर क्रिएटिंग जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बनस्पत इसके कि आप जाके एक नया कैमरा जो है वो खरीद लें. और आई टिप नंबर टू की बात कर लें तो एक और जो बड़ी गलती लोग करते हैं जो मैंने देखा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, उसमें दे डोंट इन्वेस्ट इन ग्लास. बाय ग्लास आई मीन दे डोंट इन्वेस्ट इन अ गुड पेयर ऑफ लेंस व्हिच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द कैमरा बॉडी इटसेल्फ. नॉर्मल से कैमरा अगर उसको आप ग्लास अच्छा दे दें या लेंस अच्छा दे दें, दैट इज़ गोइंग टू गिव यू ऑसम रिजल्ट्स. बहुत खूबसूरत इमेज आता है. मैं खुद इस वक्त सिग्मा 30mm f/1.4 इस्तेमाल कर रहा हूँ कैनन के APS-C क्रॉप बॉडी पे 250D की एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स हाउ इट इज़ गिविंग मी द इमेजेस. और वीडियो किस तरह की प्रोड्यूस कर रहा है, मेरे व्लॉग्स जाके देखो पिछले. मैंने दरावर फोर्ट कवर किया है, मैंने लॉट ऑफ अदर प्लेसेस दैट आई हैव कवर्ड इन माय प्रीवियस व्लॉग्स, वो सारे के सारे मोस्टली इस लेंस से मैं शूट करता हूँ. तो जो किट लेंस होता है जो कैमरे के साथ आता है उस पर रिलाय मत करो. दैट इज़ गोइंग टू गिव यू ऑफुल रिजल्ट्स. मज़े का नहीं होता, ना वो ज़्यादा खुलता है, ना वो ज़्यादा फास्ट होता है. बाय खुलना आई मीन्स उसका एपर्चर उतना नहीं खुलता.
ऐसा, तो द लेंस इज नॉट फास्ट इनफ. तो नॉर्मल से कैमरा कपल्ड विद एन एक्सीलेंट लेंस, अगर उसमें आप ज्यादा इन्वेस्ट कर लें, इज गोइंग टू गिव यू मच बेटर रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी, बनस्पति इसके कि आप कैमरा अच्छा ले लें और उसके साथ किट लेंस इस्तेमाल करें. तो ये बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं कि लेंस के अंदर और ग्लास के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते और सारा पैसा कैमरे की तरफ रोड़ देते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है. जब तक उस पर अच्छी क्वालिटी का ग्लास नहीं लगा होगा, तब तक देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग दैट इमेज क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन गुड ग्लास. तीसरी बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो जब इस हॉबी को या इस चीज़ को परसू करते हैं तो दे कम्प्लीटली फॉरगेट और डिनाई कि उनके पास एक फ़ोन भी है जो कि उनकी जेब में हर वक्त 24 घंटे उनके पास अवेलेबल है. फ़ोन्स के ऊपर आजकल जो कैमराज आ रहे हैं दोज आर ऑसम, बेहतरीन किस्म की उनकी परफॉर्मेंस है, आपको बोके भी देते हैं आपको और वीडियो शूटिंग क्वालिटीज़ भी देते हैं. तो पहले अपने फ़ोन के ऊपर अपने क्राफ्ट को मास्टर करना से सीखो, गो आउट कैजुअल तरीके से फोटोग्राफी करो. हाँ, जब एक लिमिट रीच हो जाती है फ़ोन की, कुछ लिमिटेशन yes, those I'm going to discuss in another video. बाद में करेंगे. बट जब लिमिट टच हो जाती है, यू रियली फील कि अब रिस्ट्रिक्ट हो रही है मेरी क्रिएटिवनेस, या अब मुझे वाकई आई नीड समथिंग दैट इज गोइंग टू यू नो डेल्व मी डीपर इन टू दिस रैबिट होल ऑफ फोटोग्राफी, तो देन गो फॉर अ कैमरा, नॉट एन इशू. बट उससे पहले डू ट्राई एंड एक्सप्लोर. और लोग अक्सर ये करते हैं कि फ़ोन अवेलेबल होता है एंड दे स्टिल गो एंड बाय आउट कैमरा, और फिर कैमरा भी वो मतलब ऑफ एंड ऑन इस्तेमाल करना और प्रॉपर तरीके से ना इस्तेमाल करना, ये सारे लवाजमात वो कोशिश करते हैं उससे कि बेहतर हो जाए, लेकिन इस तरह होता नहीं है. यू नीड टू फर्स्ट मास्टर द कैमरा. और कैमरा जो फ़ोन का है उसकी एक ऐप है, उस ऐप को मास्टर करें, उस ऐप को देखें वेरियस ऑप्शंस आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले उसकी लिमिट्स को टच करें, उसके बाद देन कम टू द DSLR साइड ऑफ थिंग्स, तो बेहतर होगा. तो छलांगे ना मारे. मिस्टेक नंबर 4 या एक टिप आप कह लें वो ये है कि मे बी ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम, लोगों के पास टाइम कम होता है और लोग बड़े मखसूस टाइम के अंदर जो है वो इनपुट ले रहे होते हैं कि कौन सा कैमरा ख़रीदना है, तो आप एक ही यूट्यूबर की या एक ही रिव्यूअर की वीडियो ले लेते हैं और उसी पे अपना ओपिनियन बना लेते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में या कैमरा के बारे में या पर्टिकुलर लेंस के बारे में. दैट इज़ रॉन्ग. तो जब भी आप परचेजिंग करते हैं या यू वॉन्ट टू गो एंड बाय आउट अ कैमरा फॉर द ओपन मार्केट, ऑनलाइन खरीद रहे हो, उससे पहले YouTube के ऊपर रिव्यूज़ अवेलेबल हैं, उसमें कम से कम 4 या 3 बंदों के आप रिव्यूज़ देखें, देन डिसाइड कि आपने कैमरा कौन सा लेना है. एंड उससे पहले राइट डाउन कि आपकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है क्या, इज वेदर इट्स द फ्रेम रेट दैट यू आर गोइंग फॉर, वेदर इट्स द रेजोल्यूशन यू आर गोइंग फॉर, वेदर इट इज़ अ कॉम्पोजिट ऑफ ऑल द थिंग्स, वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर द बेस्ट ऑफ ऑल. बहुत पैसा है जो 10 लाख रुपए का ले लो, लेकिन इतने पैसे जेब में सच्ची बातें होते नहीं है. तो स्टार्ट में ट्राई टू गो ईजी ऑन द प्रोसेस और 3 से 4 यूट्यूबर्स मिनिमम, उनके रिव्यूज जरूर देखें यूट्यूब के ऊपर, एवरीथिंग इज अवेलेबल, उनका इनपुट जरूर लें. और अगर ज्यादा शौक है रिसर्च करने का तो गो ऑन गूगल, गो ऑन टू द वेबसाइट, वहां देखो कि कैमरा एक्चुअल है क्या, कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटीज क्या है, थोड़ा रिसर्च करके टाइम लगा के देन बाय दिस थिंग. वर्स कम टू वर्स ये होते हैं लोग कहते हैं यार दोस्त के पास बड़ा अच्छा कैमरा है, मैं उससे पूछ लेता हूँ, तो दोस्त भी उतना ही नैला होता है जितने आप हैं. तो गेट द प्रोफेशनल व्यू, और यूट्यूबर्स जितने फोटोग्राफर्स हैं गेट द व्यू फ्रॉम देम एंड देन परचेज द कैमरा. अच्छा, एक और चीज जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी पाकिस्तान के अंदर जो मैंने देखी है उसमें तो लोग कर रहे हैं, बट जो हॉबीस्ट हैं वो इस चीज को पता नहीं क्यों अवॉइड करते हैं. यार अगर कैमरा नहीं परचेज कर पा रहे हो, उतने पैसे नहीं है, यू डोंट हैव द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू गो फॉर अ, लेट्स सपोज USR3 है कैनन का, सोनी A7R4 है, A7S3 है, बड़े बड़े जो नाम आजकल हैं यूट्यूब के ऊपर आपको नजर आएंगे कैमरास, डिफरेंट वीडियोज जाके देखो वहां से पता लगेगा. तो व्हाई डोंट यू गो रेंट इट आउट, शॉप पे जाओ, उसको 1,000-1,200-2,000 आईडी कार्ड की कॉपी रखेगा या आईडी कार्ड रखेगा, मेक अ स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ पीस ऑफ पेज, गिव हिम द पेमेंट, टेक द कैमरा, शूट करो अच्छे तरीके से, उसको इस्तेमाल करो एंड रिटर्न, एट शॉक भी पूरा हो जाएगा और कैमरा भी इस तरह समझ आ जाएगा और डिफरेंट ब्रांड्स भी यूज कर पाओगे. तो आई डोंट नो रेंट करने से लोग क्यों घबराते हैं. हाँ, तोड़ ताड़ ना देना भाई, तोड़ ताड़ दोगे तो फिर तो लग गए ना, फिर तो हो गया काम आपका, तो वो वाला काम नहीं कर देना या चोरी हो जाए खुदा ना खास्ता. ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, समझ आती है, लेकिन रेंट वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है. अगर आप यू गो आउटसाइड एंड रेंट अ कैमरा और उसको इस्तेमाल कर लो अपने सेटअप में, सिस्टम में, या वीडियोस देने, बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लॉट ऑफ पीपल हु डू दिस प्रोफेशनली, जिनके पास ये वाले नहीं होती कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, वो रेट को कैलकुलेट करके देखे फॉर द रेंट ऑप्शन. ये थे 5 मिस्टेक्स जो अक्सर 5 गलतियां जो बिगिनर कैमरा बायर्स हैं वो कर देते हैं, फिर उनको पता नहीं लगता और लेते वक्त जो है मुसीबत बन जाती है. इन माय हम्बल एक्सपीरियंस मैंने सोचा कि आई शुड शेयर नाउ ब्रिंग दीज 5 मिस्टेक्स एंड देयर सॉल्यूशंस एज वेल इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से अपने नेक्स्ट कैमरा परचेज कर सकें. दैट्स इट फॉर नाउ. दिस इज अली फ्रॉम AW Pixartica.
with a big smile and a nice setup jo aapko piche nazar aa raha hai iska review karunga. Signing off for now, see you in another video really really soon. Till then, take care, see ya, bye bye, Allah Hafiz. Such a beautiful love.